आखिर क्या हुआ जब अयोध्या राम मंदिर में अचानक से प्रकट हो गए साक्षात अश्वत्थामा, जिनका संबंध महाभारत से बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है अश्वत्थामा महाभारत का अकेला एक ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है। आज भी कई जगह पर अश्वत्थामा की जीवित देखे जाने का दावा किया जाता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो कलयुग के अंत तक इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन अभी एक ऐसा चमत्कार देखा गया है कि जहां कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को अयोध्या राम मंदिर में देखा है, लेकिन किस रूप में, वो सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हुआ था। इस समारोह में देश की काफी सारी हस्तियां भी शामिल हुई थी। इस दिन राम लल्ला की मूर्ति को गर्भगृह में बड़े ही धूमधाम और मंत्रोच्चारण के साथ विराजमान किया गया है। यह दिन लोगों को सदियों तक याद रहने वाला है। लेकिन इन दिनों एक बड़ी खबर सामने आई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस चमत्कार को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम साक्षात गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। कैसे हुआ ये चमत्कार, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम मंदिर को जिसने बनाया है उन मूर्तिकार का नाम अर्जुन योगी राज है। पूरे महीनों के मेहनत के बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति को अरुण योगी राज ने बनाया है। इसका मतलब अरुण योगी राज पूरे 7 महीने से प्रभु श्री राम के प्रतिमा के साथ ही थे। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अरुण योगी राज अपने हाथों से बनाई हुई प्रभु श्री राम की प्रतिमा को पहचान भी नहीं पा रहे हैं। योगी राज को लगता है कि प्रतिमा में जरूर कोई चमत्कार हुआ है। जैसे ही गर्भगृह में प्रतिमा को स्थापित किया गया है, वैसे ही प्रतिमा की आभा में बदलाव हुआ है और अब प्रतिमा में कुछ अलग ही तेज दिख रहा है। प्रतिमा के तेज पहले से काफी अधिक बदल गया है। योगी राज ने कहा कि वह खुद भी इस चमत्कार से हैरान है। उनका मानना है कि ये चमत्कार राम लल्ला के कृपा से हुआ है। प्रभु श्री राम गर्भगृह में साक्षात विराजमान हो चुके हैं। 23 जनवरी 2024 से राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया था, लेकिन भक्तों की भीड़ जमा हो गई, भगदड़ का माहौल बन गया। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा ऐसी हुई कि सभी भक्तों ने राम लल्ला की अच्छी तरह से दर्शन किए। पहले दिन तकरीबन 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं ने राम लल्ला का दर्शन किए। लेकिन 24 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। सौरभ नाम के दर्शनार्थी ने हमें बताया कि वह प्रातः काल सुबह जल्दी से राम मंदिर पहुँच गए ताकि वे जल्दी से जल्दी राम मंदिर के दर्शन कर सके। लेकिन उस समय भी वहां पर काफी भीड़ मौजूद थी, तो हम भीड़ में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। सौरभ ने हमें बताया सभी भक्तों के मन में बहुत उत्साह था, सभी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। लेकिन तभी मेरी नजर एक ऐसे दिव्य साधु के ऊपर पड़ी जिनकी आभा बहुत चमत्कारी थी, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा लग रही थी। फिर भी उनके मन में जबरदस्त उत्साह था, वो श्री राम के दर्शन करना चाहते थे और जैसे तैसे लाठी के सहारे आगे बढ़ते जा रहे थे। मेरी नजर काफी समय से उनके ऊपर बनी हुई थी। उस दिन राम लल्ला के दर्शन करने के लिए हम सभी को तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए। हमारे साथ साथ उन दिव्य साधु महाराज ने भी राम लल्ला के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। उनकी आंखों में बहुत आंसू थे, वो फूट फूट कर रो रहे थे और राम लल्ला से प्रार्थना कर रहे थे, जिसके बाद अच्छी तरह से दर्शन करके हम सभी राम मंदिर के बाहर आ गए। तो मेरी नजर अचानक से उन साधु महाराज पर पड़ी। अपनी लाठी टूट जाने की वजह से वह चढ़ाव पर गिर चुके थे। तब मैंने उन्हें संभाला, उन्हें सहारा दिया और उनसे पूछा कि आप इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी आखिर इतना कैसे चल पाते हैं, आप कौन हैं और आपकी आयु कितनी है। लेकिन उन साधु महाराज ने जो मुझे जवाब दिया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि मेरी उम्र 3000 साल से भी ज्यादा है और मैं एक श्रापित महाभारत का पात्र हूँ। इतने में मेरे को दोस्तों ने मुझे आवाज लगाई तो मेरा ध्यान भटक गया और वे साधु महाराज कहीं अंतर ध्यान हो गए। मैंने आसपास बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था, लेकिन सवाल एक ही था कि आखिर वो दिव्य साधु कौन थे।
तब रिसर्च करने पर सौरभ को पता चला कि महाभारत में एक ही ऐसा पात्र था जो श्रापित था, जिसे अमृतत्व का वरदान प्राप्त था और ये श्राप उसके साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने दिया था और उसका नाम था अश्वत्थामा। ऐसा कहते हैं अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। क्या उस समय साक्षात अश्वत्थामा राम मंदिर में रामलल्ला के दर्शन करने के लिए आए थे? ये सवाल ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया था? महाभारत की युद्ध समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को छल से वध कर दिया था। पुत्र शोक में पांडवों ने जब श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा किया तो वे भाग गए। फिर भी अर्जुन ने जब उनका पीछा नहीं छोड़ा तब अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उससे बचने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब महर्षि वेद व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लौटा दिए, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाने का ज्ञान नहीं था। तब उन्होंने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ की ओर कर दिया। क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल ली और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। तब से वे अब तक अश्वत्थामा निरंतर पृथ्वी पर भटक रहे हैं। अर्थात हो सकता है साक्षात अश्वत्थामा बुजुर्ग के रूप में रामलल्ला के दर्शन करने, अपने किए गए पापों की क्षमा याचना करने उनके द्वार पर आए हैं। रोजाना एक के बाद एक चमत्कार अयोध्या राम मंदिर में देखे जा रहे हैं। आगे हम आपको एक ऐसे चमत्कार सुनाने जा रहे हैं जिसमें किस प्रकार से एक 80 साल का बुजुर्ग महिला का पर्स पुनः चमत्कारी रूप से उन्हें प्राप्त हो गया। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा में जिन लोगों को आमंत्रित किया था उनमें से श्रीधर अपने पत्नी बेटे और बहू के साथ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद श्रीधर की पत्नी जानकी, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष बताई जा रही है, वो प्रभु राम के दर्शन करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश कर रहे थे। तभी उनका बैग खो गया, जिसके बाद भी बुजुर्ग महिला ने राम लल्ला के दर्शन करने का निर्णय लिया और वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी से मदद भी मांगी। सुरक्षा कर्मी ने वृद्ध जानकी देवी को गर्भगृह तक पहुंचा दिया, जिसके बाद प्रभु राम की भक्ति में महिला लीन हो गई और प्रभु राम से अपने बैग के लिए प्रार्थना की। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक महिला के बैग में 83,550 रुपए और आधार कार्ड के साथ अन्य सामान थे, लेकिन महिला ने पैसे की फिक्र ना करते हुए पहले राम लल्ला के दर्शन करने का फैसला किया। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि महिला को बैग कैसे मिला। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उत्तराखंड के हरिद्वार के प्रेमानंद जी महाराज भी शामिल हुए थे। उनके झोले में वृद्ध महिला का बैग गिर गया। इसके बाद जब प्रेमानंद महाराज आश्रम पहुंचे तो उन्हें महिला के बैग की जानकारी मिली। यही राम मंदिर में खोया हुआ पर्स अयोध्या से 680 किलोमीटर दूर हरिद्वार में मिला। इसी घटना के बाद लोगों में चर्चा शुरू हो गई है कि राम मंदिर की स्थापना के बाद राम राज्य भी वापस आ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर इस अद्भुत चमत्कारी को पुष्टि भी की है। ऐसा लगता है कि मानो कई सारी दिव्य शक्तियां अयोध्या में निवास कर रही हो, क्योंकि एक के बाद एक इतने सारे चमत्कार सामान्य नहीं हो सकते। आज हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख पाए हैं, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अपनी आंखों से देख पाए हैं। लेकिन इस राम मंदिर के बनने के पीछे कई कट्टर हिंदुओं, साधुओं, संतों का बलिदान छुपा है, जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट टू जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।